गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फर्स्ट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फिट एंड हैप्पी स्टूडेंट्स। स्टूडेंट, दिस इज योर ड्राइंग क्लास, ये आपकी ड्राइंग की क्लास है। सो टुडे वी विल ड्रॉ साड़ी की बेल। आज हम क्या ड्रॉ करना सीखेंगे? साड़ी की बेल ड्रॉ करना सीखेंगे। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी रफ पेपर निकालिए, पेंसिल इरेजर शॉर्पनर भी निकालिए, ठीक है? आप मेरे साथ इसको रफ पेपर पर ड्रॉ करना सीखेंगे और उसके बाद अपनी ड्राइंग की नोटबुक में ड्रॉ करेंगे। और क्या करना है इसमें स्टूडेंट्स? कलर करना है आपको। तो चलिए, आप पेंसिल इरेजर और स्केल निकालिए और रफ पेपर और मेरे साथ इसको ड्रॉ करना सीखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्या करना है आपको, अपनी ड्राइंग की जब आप नोटबुक में बनाएंगे इसको, तो क्या करना है, उसके चारों तरफ लाइंस ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, स्केल से। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो पेज है उसका मिडल में आपको क्या करना है, स्केल से लाइंस ड्रॉ करनी है। आपको 10 सेंटीमीटर फ्रंट लाइन ड्रॉ करनी है। कितने सेंटीमीटर ड्रॉ करनी है आपको? 10 सेंटीमीटर। और 6 सेंटीमीटर इधर लाइंस ड्रॉ करनी है। ओके, देखिए आपको स्केल से करनी है स्टूडेंट्स। ओके, देखिए देखिए मैंने आप पे यहाँ पर ऐसे ही ड्रॉ करी है, लेकिन आपको स्केल से ड्रॉ करनी है। ये 10 सेंटीमीटर और ये आपको 6 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है, लाइन स्केल से। उसके बाद क्या करना है आपको, 10 का जो हाफ होता है उसको बोलते हैं 5। 10 का हाफ कितना होता है? 5 होता है। तो उसके 5 पर यहाँ पर ऐसे निशान लगा लेंगे और उसके बाद वहाँ से इसको बीच में से 2 कर देंगी, स्केल से लाइन करके ऐसे उसके पार्ट बना लेंगी। ओके, ऐसे 2 पार्ट कर लेंगे उसके, ठीक है। आप ऐसे बीच में 10 का हाफ करके बीच में लाइंस ड्रॉ कर लेंगे और ऐसे पार्ट बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, बीच में ऐसे आपको प्लस बनाना है, ठीक है। देख रहे हैं फ्रेंड्स आप, ऐसे आपको प्लस बना लेना है। उसके बाद क्या करना है, स्केल से लाइंस ड्रॉ करनी है, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे कर लेंगे। फिर ऐसे मैं सही कर देती हूँ फ्रेंड्स इसको, एक मिनट रुकिए। प्लस बना लेना है, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे कर देंगे। फिर इधर से भी ऐसे कर देंगे, ठीक है, इधर से मिला देंगे इसको और इधर से भी इसको मिला देंगे, ठीक है। देख रहे हैं ना स्टूडेंट्स आप, ऐसे मिलाते चले जाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, इधर से भी मैंने इसको ऐसे मिला दिया है। ओके, अब ऐसे ही इधर वाले एरिया में भी इसको ऐसे ही करना है, ठीक है, ऐसे ही।
ठीक है, ऐसे कर दिया, ऐसे ऐसे। आप देख रहे हैं ना स्टूडेंट्स कैसे मैं मिला रही हूँ लाइंस को। फ्रेंड्स आपको क्या करना है, इसको स्केल से ड्रॉ करना है, क्योंकि मैंने तो यहाँ पेंसिल सॉरी चॉक से ड्रॉ किया है, लेकिन आपको पेंसिल से इसको स्केल से ड्रॉ करना है, तो आपकी बिल्कुल सीधी लाइन आएगी। ओके, आपको इसको स्केल से लाइन ड्रॉ करनी है, जिससे और सीधी लाइन आए हमारी। ठीक है, और इसमें आपको कलर करना है। फ्रेंड्स देखिए हमारी साड़ी की बेल्ट बनकर रेडी है। आपको क्या करना है, इसमें कलर करना है, जो भी आप मन चाह कलर कर सकते हैं। इसमें आपको यहाँ पर जो इसका दिख रहा है आपको बॉर्डर के अंदर, तो ये कोई अलग कलर करना है, और ये जो आपको लीव्स दिख रही हैं इसके अंदर आप डिफरेंट कलर करेंगे, और बाहर से इसको स्केच कलर से आउटलाइन कर देंगे। तो बहुत ही सिंपल है और ईजी है, और आप आई होप बहुत अच्छे से कलर भी कर लेंगे इसमें। ओके, आप इसमें क्या करेंगे, ज़मीन में जो इसका दिख रहा है आपको, इसमें तो आप येलो कलर करेंगे। ठीक है, येलो, और इसमें करेंगे आप रेड। ठीक है, और जो आप ये जो लाइंस है चारों तरफ इसकी लीव्स की और इसकी जो लाइंस है, ये आप को क्या करेंगे, ब्लैक कलर से स्केच पेन से इसको आउटलाइन कर देंगे। इसकी किससे, ब्लैक कलर से, ब्लैक स्केच पेन से आप इसकी क्या करेंगे, आउटलाइन कर देंगे। इसकी जो लाइंस हैं सबकी आउटलाइन आपको किससे करनी है फ्रेंड्स, आपको करनी है ब्लैक कलर से। ठीक है, और इसके लीव्स के अंदर आपको करना है रेड कलर, और यहाँ आप जो दिख रही है आपको ये नीचे, यहाँ पर आपको कौन सा करना है, यहाँ पर आपको येलो कलर करना है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको बहुत अच्छे से बनानी आ गई है, बहुत ही ईजी है, आप अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे इसको। ठीक है, आज आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है रफ पेपर पर, उसके बाद आपको ड्राइंग की नोटबुक में इसको ड्रॉ कर लेना है। ओके फ्रेंड्स, चलिए आपकी वीडियो यही कंप्लीट होती है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे। ओके फ्रेंड्स।